हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में। आज हम समझेंगे कि डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होते हैं और कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में डायरेक्शन ओवर करंट प्रोटेक्शन हम यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में। हम इसे समझने से पहले ये समझ जाते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होते हैं। तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में हम रिले में एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी रिले में 2 एम्पियर हम सेकेंडरी साइड में करंट फिक्स किए और अगर कोई फॉल्ट होते हैं तो 2 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट रिले सेंस करते हैं तो वो इमीडिएटली ट्रिप कमांड ब्रेकर को सेंड करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट करंट। अगर मेरा फॉल्ट करंट के डायरेक्शन कुछ भी हो, हम अगर ओवर करंट प्रोटेक्शन सिर्फ कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में इंस्टॉल करते हैं तो अगर प्री डिटरमाइंड वैल्यू से सेकेंडरी साइड में अगर रिले मेरे प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा फॉल्ट करंट सेंस करेंगे तो इमिडिएटली ब्रेकर को ट्रिप कमांड देंगे। अभी डायरेक्शनल में क्या हो जाते हैं कि सेम ओवर करंट प्रोटेक्शन तो रहते ही हैं बट वहां पर डायरेक्शन भी आ जाते हैं कि आइदर मेरा फॉल्ट जो हुआ है वो मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेकर। तो अभी हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, तो डायरेक्शन हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। अगर आप कोई भी सब स्टेशन में जाओगे तो वहां पर सीटी और पीटी होते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो सिंपल जो नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन है वहां पर हम सिर्फ करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी का यूज करते हैं और करंट देते हैं रिले को, बट इन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन हम पीटी का भी इस्तेमाल करते हैं टू फॉर द रेफरेंस। हम पीटी को रेफरेंस लेके डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, फॉल्ट क्या है, वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपने समझा होगा कि हम डायरेक्शनल ओवर करंट और नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम समझते हैं पहले कि अगर हम डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन अगर हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम में लगाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होंगे। तो अगर हम इसको समझ जाए तो हम डायरेक्शनल ओवर करंट को समझने में काफी आसानी होगी। तो लेट अस सपोज कि ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन है। तो हम जानते हैं कि कोई भी पावर सिस्टम में अगर हम 110 केवी और 220 केवी लाइंस ले तो एक सब स्टेशन से काफी सारे लाइंस जाते हैं टू अनदर सब स्टेशन। तो ऐसा नहीं है कि एक सब स्टेशन से सिर्फ एक ही लाइन से जा रहे होंगे। लाइक यू कैन सी इन दिस फोटो कि अगर हम एक सोर्स जहां से पावर मेरे आ रहे हैं और लोड जहां पर पावर जा रहे हैं तो और ये दोनों मेरे सब स्टेशन हैं। तो यहाँ पे तीन लाइंस मेरे एक जा रहे आ रहे हैं और पावर तीन लाइंस में जा रहे हैं। तो अभी इसमें सपोज सारे अभी नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। सपोज लेट्स से अगर मेरे फॉल्ट बिटवीन ए एंड बी हुए हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉल्ट करंट मेरे कैसे फ्लो होंगे सिस्टम में। तो फॉल्ट करंट मेरे फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में, और फॉल्ट करंट मेरे इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो यहां से फॉल्ट करंट फ्लो होके ये घूम के फिर इधर जाएंगे। तो इधर हम देखें तो इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, लाइकवाइज यहां पर भी इस डायरेक्शन फ्लो होंगे और यहां से ऊपर जाके यहां पर फ्लो होंगे। तो आई होप आपने फॉल्ट करंट देखा होगा कैसे फ्लो हो रहे। तो क्योंकि मेरा सारे नॉन डायरेक्शनल रिले है तो फॉल्ट हमारे बी रिले, डी रिले और एफ रिले सभी सेंस कर रहे हैं। तो रिले हैं हमारे वो सभी ब्रेकर को ट्रिप कमांड देंगे। लाइक रिले विल गिव ट्रिप कमांड टू दिस ब्रेकर, रिले विल गिव ट्रिप कमांड टू दिस ब्रेकर एंड रिले विल गिव ट्रिप कमांड टू एफ एंड ब्रेकर। तो अभी इस केस में क्या हो जाएंगे कि मेरे अगर फॉल्ट मेरे बिटवीन ए एंड बी भी है तो मेरे सारे जो लाइन से सभी मेरे शट डाउन हो जाएंगे
ऑब्वियसली देयर इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन बी डी एंड एफ रिले, बट ये जो टाइम डिफरेंस है काफी कम होते हैं, और क्योंकि फॉल्ट करंट मेरे काफी ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर एरर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे बी और डी रिले के जो डिस्टेंस है काफी कम है। तो इवन मेरे फॉल्ट बिटवीन ए एंड बी होंगे, मेरे जो जो ब्रेकर है वो सारे लाइंस के ब्रेकर मेरे ओपन हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन में, कि जो मेरे फॉल्ट है वो सही से आइसोलेट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे फॉल्ट अगर ए एंड बी के बीच में भी हुए लेकिन सी एंड डी एंड ई एंड एफ लाइन आर हेल्दी, इवन दिस लाइन आर हेल्दी, दिस लाइन ब्रेकर आर ओपनिंग। सो दीज आर द इशू इन द नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन को यूज करते हैं। तो नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन को एनसी कोड में हम 51 से डिनोट करते हैं, और डायरेक्शनल को हम 67 से डिनोट करते हैं एनसी कोड में। तो अभी हम समझते हैं डायरेक्शनल ओवर करंट को। तो डायरेक्शनल ओवर करंट में, जैसा कि आप ये एरो में देख सकते हैं, दिस इज नॉन डायरेक्शनल, और ये एरो में आप देख सकते हैं दिस इज डायरेक्शनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे जो फॉल्ट करंट है वो मेरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ही मेरे ये रिले मेरे ऑपरेट करेंगे बी डी या एफ एंड के, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने मेरे फॉल्ट करंट है। अगर कितने भी फॉल्ट करंट है, अगर मेरे फॉल्ट दिस डायरेक्शन में होते हैं तो ये मेरे रिले ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये है डायरेक्शनल ओवर करंट के, ओवर करंट ऐसे मेरे फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं, वो डायरेक्शन भी देखते हैं फॉल्ट के। तो अभी क्या होंगे, लेट अस सपोज सेम एग्जांपल कि फॉल्ट मेरे ए और बी के बीच में हो रहे हैं, तो अभी क्या होंगे, सेम फॉल्ट मेरे करंट कैसे फ्लो करेंगे, इधर से करेंगे, यहां पर इधर से करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, ऐसे इधर से करेंगे इन सी और डी में मेरे ऐसे जाएंगे ऊपर जाएंगे, यहां पर भी मेरे फॉल्ट करंट इधर से और यहां से फिर ऊपर जाएंगे। आई होप आपने समझा वो फॉल्ट करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं, यहां पर मेरे फॉल्ट हुए हैं। तो अभी क्या होंगे, अभी मेरे सी द डायरेक्शन ऑफ दिस रिले क्या है, लेफ्ट साइड है, लेकिन फॉल्ट मेरे कहां जा रहे हैं, राइट साइड में फ्लो हो रहे हैं बिटवीन सी एंड डी। तो ये क्या ये मेरे ब्रेकर ओपन होंगे, ये मेरे ब्रेकर ओपन नहीं होंगे। ई एंड एफ में देखते हैं, फिर से मेरा डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट क्या है, लेफ्ट साइड में, लेकिन मेरा फॉल्ट जा रहे हैं राइट साइड में, तो ये एंड के ब्रेकर ओपन होंगे, ये एंड के ब्रेकर मेरे ओपन नहीं होंगे। ए एंड बी में क्या है, डायरेक्शन मेरा लेफ्ट में है और फॉल्ट भी मेरा लेफ्ट में है, तो ये एंड के ब्रेकर ओपन होंगे, यस ये बी एंड के ब्रेकर ओपन होंगे। चूंकि मेरे बी एंड के ब्रेकर ओपन हो रहे हैं, ए एंड के ब्रेकर भी ओपन हो जाएंगे। यहां पर डी एंड के ब्रेकर ओपन नहीं होंगे, तो मेरे सी एंड के ब्रेकर भी ओपन नहीं होंगे, ये मेरे कमांड नहीं भेजेंगे इसको ब्रेकर ओपन होने के लिए। तो अभी क्या होंगे, अभी मेरे फॉल्ट ए और बी के एंड में हो रहे हैं, तो मेरे ए और बी एंड के ब्रेकर ही ओपन होंगे, सी एंड डी और ई एंड एफ एंड के ब्रेकर ओपन नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन वर्क। तो आई होप आपने समझा होगा कि डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट मेरे कैसे हैं और ब्रेकर मेरे कैसे ओपन हो रहे हैं। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, कि अब सपोज करते हैं फॉल्ट मेरे सी और डी एंड में हुए हैं, फॉल्ट मेरे सी एंड डी एंड, तो अभी फॉल्ट करंट आप समझ सकते हैं कैसे फ्लो करेंगे, फॉल्ट करंट मेरे कैसे फ्लो करेंगे, यहां से फ्लो करेंगे, यहां से फ्लो करेंगे और यहां से फ्लो करेंगे। अभी फॉल्ट करंट मेरे ऐसे फ्लो कर रहे हैं, नीचे आएंगे और इधर जाएंगे, यहां पर भी ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड में आएंगे इन सी एंड डी। तो अभी आपने फॉल्ट करंट देखा है, तो यहां पर फॉल्ट करंट मेरे राइट साइड में जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो डायरेक्शन है रिले का वो लेफ्ट है। एफ का भी सेम है, फॉल्ट करंट मेरे राइट में जा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन है मेरे लेफ्ट का, तो बी एंड के ब्रेकर और एफ एंड के ब्रेकर ओपन नहीं होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट डी, डी के डायरेक्शन भी लेफ्ट में है और फॉल्ट करंट भी मेरे लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो मेरे दिस डी एंड के ब्रेकर ओपन हो जाएंगे एंड सी एंड के ब्रेकर ओपन हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होंगे, अगर फॉल्ट मेरे बिटवीन सी एंड डी है तो सी एंड के और डी एंड के ब्रेकर ओपन हो जाएंगे और फॉल्ट मेरे आइसोलेट हो जाएंगे।
और ए एंड बी और ई एंड एफ क्योंकि मेरा हेल्दी है तो ए एंड बी एंड ई एंड एफ एंड के ब्रेकर ओपन नहीं होंगे। सी नॉर्मली हम डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले हम लोड साइड में लगाते हैं और नॉन डायरेक्शनल हम सोर्स साइड में लगाते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हेल्दी लाइन को, और जो भी फॉल्टी लाइन है उसे आइसोलेट सिर्फ फॉल्टी लाइन को ही कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।